बहुत ही दुख की बात है कि हाँ बहुत क्लिक्स हुई हैं और बड़े दुख की बात है कि जावेद डार जो हमारे कुलगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के इंचार्ज थे उनको टेररिस्ट ने शहीद कर दिया है। इसका गम और गुस्सा पूरे देश में है। जिस प्रकार से गुलाम रसूल डार उनकी धर्मपत्नी को भी शहीद किया वो भी यही है। और पिछले दो सालों में भारतीय जनता पार्टी के 23 के लगभग कार्यकर्ता जो है शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में उनकी कुर्बानी जो है बिल्कुल ज़ाया नहीं जाएगी और जिन्होंने ये काम किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये साफ बात है। वो महसूस करते हैं कि हम चोरी से आएंगे कायरों की तरह और निहत्थों को गरीबों को मारेंगे। जिन कश्मीरियों की वो बात करते हैं उन्हीं को मार रहे हैं, बूढ़ा नहीं देख रहे, बच्चा नहीं देख रहे। रजौरी में आपने देखा एक छोटे 4 साल के बच्चे को मार दिया। और ये आदमी ये क्या बिगाड़ रहा था किसी का? अगर हम इंसान हैं तो हर आदमी की अपनी सोच हो सकती है, पॉलिटिकल सोच हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता था क्योंकि आपकी सोच के साथ उसकी सोच नहीं मिलती थी ना, आपने उसको कुर्बान कर दिया। उसकी पत्नी, उसके बाकी जो रिश्तेदार, उसका बेटा जिस प्रकार से गम में है। तो मैं साफ कर देना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में ऐसे जो एलिमेंट्स हैं, ऐसी जो ताकतें हैं, उनको खत्म किया जाएगा और उनको बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट ने, हमारे स्टेट के यूनिट ने, मुझे उन्होंने कहा कि आप जाएं वहां पर। स्टेट प्रेसिडेंट साहब ने भी आना था लेकिन वो किसी कारण से आ नहीं सके, वो बाद में आएंगे, बाकी लोग भी आएंगे। हम पूरी पार्टी इस परिवार के साथ है, पूरा देश इनके साथ है। और ये जो शहीद है, ये शहीद किसी पार्टी का नहीं है, सिर्फ पूरे देश का है, पूरे हिंदुस्तान का है और पूरा हिंदुस्तान इनकी परिवार के साथ खड़ा है। ये मैं जरूर इस वक्त कहना चाहूंगा कि ऐसे लोग चाहे किसी भी पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के 23 के लगभग लोग शहीद हुए हैं पिछले 2 सालों में, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, मिली है।